Let's start our class. Class third, subject English grammar. Previous lecture में हमने आपको chapter 10 explain कर दिया था. आज हम लोग start करेंगे chapter 11. Chapter 11 का name है subject and predicate. Previous lecture में हम लोगों ने sentence के बारे में पढ़ा था कि sentence क्या होता है. आज हम लोग पढ़ेंगे कि subject and predicate क्या होता है. तो a sentence has two part. सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट. इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन. सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है. सब्जेक्ट वो होता है कि जिस सेंटेंस में उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. और सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है. प्रीडिकेट द प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है? कुछ बताता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए, रीड द सेंटेंस इन द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. इसमें देखिए, आर्यन इज रीडिंग बुक. तो आर्यन क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है. तो आर्यन क्या हो गया? सब्जेक्ट. और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? आर्यन क्या कर रहा है? आर्यन बुक को रीड कर रहा है. तो बुक रीड करना क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. नेक्स्ट है, ही लिव्स इन दिस कॉलोनी. वह इस कॉलोनी में रहता है. तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. लिव्स इन द कॉलोनी, ये बता रहा है कि ये इस कॉलोनी में रहता है. तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है कि वह कहाँ रहता है? वह इस कॉलोनी में रहता है. तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. दिस बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड. दिस बिल्डिंग इज वेरी ओल्ड. बिल्डिंग बहुत क्या है? ओल्ड है. तो जो दिस बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. और इज वेरी ओल्ड क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. द बॉय विथ ब्लैक कैप इज माई ब्रदर. तो इसमें द बॉय विथ ब्लैक कैप क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. और इज माई ब्रदर, यह कौन है? मेरा भाई है. तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. तो सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, सॉरी सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है. और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. जैसे कि आर्यन इज रीडिंग बुक. तो ये जो प्रेडिकेट है वो क्या बता रहा है? कि आर्यन बुक पढ़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लुक एट फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस में आर्यन इज रीडिंग अ बुक. आर्यन इन पार्ट ए इज द सब्जेक्ट. तो आर्यन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है. बिकॉज ही इज डूइंग द एक्शन. बिकॉज क्योंकि ये क्या कर रहा है? किसी एक्शन को कर रहा है. आर्यन जो है वो क्या कर रहा है? बुक को पढ़ रहा है. वह कोई एक्शन कर रहा है. इन पार्ट बी इज रीडिंग इज द वर्ब शोविंग एक्शन डन बाई द सब्जेक्ट. और रीडिंग क्या है? रीडिंग करना क्या हो जाएगा? आपको वर्ब हो जाएगा. रीडिंग करना, राइट करना, प्ले करना, ये सारे क्या होते हैं? आपके वर्ब होते हैं. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने वर्ब भी पढ़ा है, सेंटेंस भी पढ़ा है. अ बुक इन पार्ट सी फॉर्म द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और सेंटेंस का रेस्ट पार्ट क्या है? अ बुक. पार्ट बी एंड सी टुगेदर मेक द प्रेडिकेट्स. तो पार्ट बी
एंड सी जो है ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके प्रेडिकेट बना रहे हैं, इट्स रीडिंग अ बुक, ये दोनों मिलकर के प्रेडिकेट बना रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर्म द प्रेडिकेट्स। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब प्लस रेस्ट वर्ड जो होता है वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं सेंट प्रेडिकेट बनाते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट समटाइम्स इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट आल्सो। सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली सबसे पहले आता है लेकिन कई बार जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रेडिकेट के बाद भी लगाते हैं। अ सब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट जो होता है वो एक या एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं, सब्जेक्ट में एक या एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस बिल्डिंग, इसमें एक या दो से, इसमें टू वर्ड है, जबकि आर्यन इसमें वन वर्ड है। द बॉय विथ ब्लैक कैप, इसमें दो से अधिक भी वर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय विथ ब्लैक कैप दिस बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द बॉय विथ ब्लैक कैप दिस बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये आपके वन वर्ड से अधिक है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो वन वर्ड से अधिक भी हो सकता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझेंगे। सेंटेंस मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है, वर्ब भी पढ़ाया है, तो उसको समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है इसको पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है ये भी मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया है, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पर ओवर होता है। थैंक यू।